इन तीन बड़े कारणों से मिली भारत को करारी हार। वर्ल्ड कप की तैयारियों का हुआ पर्दाफाश। जी हां, भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो दूसरा T20 मुकाबला खेला गया, वहां पर भारतीय टीम को 5 विकेटों से करारी हार मिली है और उसके 3 बड़े कारण सामने आए और उन 3 कारणों को हम अपने इस वीडियो में देखने वाले, ये समझने और परखने की कोशिश करने वाले हैं कैसे उन 3 कारणों के कारण भारतीय टीम की जो वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं उसका पर्दाफाश भी हो चुका है। तो इस वीडियो में आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि वो कौन से 3 कारण है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूवर्स से यही रिक्वेस्ट है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिएगा। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने ये अपना खूबसूरत काम कर दिया है तो आइए देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि वो 3 कौन से बड़े कारण है जिसकी वजह से भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। तो पहला कारण आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर आपको भी पता है कि 19.3 ओवर जब भारतीय पारी के समाप्त हो गए उसके बाद बारिश ने खलल डाला और पूरा का पूरा जो परिस्थितियां थी वो बदल गई। भारतीय बल्लेबाजी एक चैलेंजिंग कंडीशन में हुई तो वहीं साउथ अफ्रीकन टीम की बल्लेबाजी एक बेहद ही आसान कंडीशन में हुई। हालांकि क्रेडिट साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को जरूर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने स्कोर बोर्ड का प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया, मगर जो दोनों पारियों की परिस्थितियां थी वो बिल्कुल ही विपरीत हो गई। सिर्फ और सिर्फ उसका कारण बारिश रहा, क्योंकि पहले जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो वहां पर लैटरल मूवमेंट भी था पिच पर और उसके बाद थोड़ी बहुत गेंद फंसकर भी आ रही थी और वहां पर स्पिन भी देखने को मिल रहा था। लेकिन जब दूसरी पारी आई गेंद गीली हो चुकी थी जिसके कारण बॉल बल्ले पर आसानी से आ रही थी, चौके और छक्के लगाना आसान था और वहीं पर स्पिन भी खत्म हो गया था जिसके कारण साउथ अफ्रीकन टीम की बल्लेबाजी बहुत ही आसान रही और उनको उतना कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा जितना भारतीय बल्लेबाजों को इस पिच पर करना पड़ा। अगर हम बात करें दूसरे बड़े कारण की तो ये DLS जब भी लगता है तो चेजिंग टीम के लिए चीजें आसान होती हैं, जिस वजह से हर वक्त अगर आप देखेंगे जब भी बारिश की संभावनाएं होती हैं तो जो कप्तान टॉस जीता है वो गेंदबाजी लेता है और उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण रहता है कि जब छोटा गेम हो जाता है यानी कि 20 ओवर से घटकर 15 या 20 ओवर से घटकर 10 ओवर का या 20 ओवर से घटकर 5 ओवर का तो आपके लिए ओवर्स कम होते हैं जिस कारण ये दबाव खत्म हो जाता है कि विकेट गिर जाएंगे, विकेट बचाना है। तो आप बेबाक क्रिकेट खेल सकते हैं, निर्भीक क्रिकेट खेल सकते हैं, निडर क्रिकेट खेल सकते हैं और विकेट गिरने का कोई डर नहीं रहता। वही साउथ अफ्रीकन टीम के साथ हुआ। जब उनको यह पता चल गया कि 15 ओवर मात्र उनको खेलने, उसमें 150 रन बनाने, तो एक समीकरण उनके दिमाग से हट गया कि विकेट बचाने हैं, यानी कि उन्होंने पहले ही ओवर से टारगेट किया भारतीय गेंदबाजों को और खूब जमकर रन बनाए। मतलब पावर प्ले के ओवरों में उन्होंने मैक्सिमम रन अर्जित कर लिए और जो रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर था उसको पावर प्ले के ओवर में ही खत्म कर दिया। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब भी DLS मेथड लगता है तो एक समीकरण कम हो जाता है कि विकेट अगर गिर गए तो क्या, मतलब इसको तो सोचना ही नहीं, मात्र 15 ओवर खेलना है, एक भी पार्टनरशिप हो गई तो विकेट की चिंता खत्म होती है। तो वही साउथ अफ्रीकन टीम के साथ हुआ, उनके लिए ये एक समीकरण खत्म हो गया कि विकेट गिर जाएगा मेरा, विकेट बचाना है, तो इसकी चिंता नहीं थी, जिस वजह से हर एक बल्लेबाज जो आता था वो निर्भीक क्रिकेट, निडर क्रिकेट और चौकों और छक्कों की बारिश करने के लिए आता था, जिस कारण हर वक्त भारतीय गेंदबाज दबाव में होते थे। अगर हम बात करें तीसरे और आखिरी कारण की तो वो यही है कि भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवर्स में लाइन लेंथ नहीं पकड़ा, सटीक टिप्पे पर गेंदे नहीं फेंकी, काफी फ्रीबीज दी, कुछ भाग्य भी साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों के साथ था, काफी एजेज लगे शुरुआती ओवर्स में, जो थोड़ा बहुत लेटरल मूवमेंट था उसके कारण सिराज, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार ने जब भी स्विंग प्राप्त किया वो गेंद बाउंड्री के बाहर गई एज के कारण। लेकिन उसके अलावा भी भारतीय गेंदबाजों पर जब दबाव बनाया गया वो दबाव में ढहते हुए दिखे, अपने लाइन लेंथ से वो भटकते हुए दिखे, जिस कारण भारतीय गेंदबाजों ने पावर प्ले के ही ओवर में पूरा मोमेंटम साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ शिफ्ट कर दिया था और अपने तरफ से पूरा गेम लूज हो गया था। तो यही 3 कारण रहे, एक तो सही टिप्पे पर गेंद नहीं गिरी
और एक आध दो गेंदें गिरी तो वो एज लगकर बाउंड्री के बाहर चली गई, जिस कारण दबाव बढ़ता ही गया, स्पिनर्स उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाए, एक साबुन की पुड़िया गेंद हो चुकी थी, गीली हो चुकी थी, जिस कारण कंट्रोल खो जाते हैं गेंदबाज। और वहीं अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो डीएलएस अप्लाई हो गया था, मात्र 15 ओवर का मुकाबला हो गया था, जिस वजह से विकेट बचाने का कोई भी दबाव साउथ अफ्रीकन टीम के पास नहीं था और बारिश के कारण पूरी की पूरी परिस्थितियां बदल गई थी, गेंद गीली हो गई थी, बॉल बल्ले पर आसानी से आ रही थी और चौके और छक्के मारना काफी आसान हो गया था। तो ये तो तीन कारण रहे, अगर आपको इनके अलावा कोई भी कारण समझ में आता हो भारतीय टीम के हार का तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं हमें कि ये कारण, इस कारण की वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो आज के अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही, आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।